नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं पराठा। इस समय मौजूद है मुंबरा के मित्तल ग्राउंड के पास। यहाँ आप देख सकते हैं रोड पर एक जल विभाग की जो है पानी की टैंकर है, उसकी चेचिस टूट गई है। जो चेचिस टूटने की वजह से यहाँ पर जो काफी ट्रैफिक की समस्या हो रही है, और जो उसमें टैंकर में जो पानी भरा हुआ था वो पानी पूरा यहाँ पर रोड पर बह चुका है। आइए जानते हैं जो इस टैंकर के ड्राइवर है उनसे जानते हैं। सर, ये चेचिस कितने बजे टूटा है? 4 बजे। अभी हो गया घंटा। तब से यहाँ पर कोई आया क्या जल विभाग का? आया था तो चैनल बुलाए। क्या गाड़ी क्या ज्यादा पुरानी है या क्या, कैसे ये चेचिस टूटी? 2008 का है। जो ये चेचिस आज टूटी है आपकी गाड़ी की, क्या इस चेचिस में पहले से भी दरार थी या अचानक ये टूट चुका? हल्का दरार था, लेकिन पूरा पकड़ा था, आदमी ढीला नहीं दे पाया। ये ब्रेकर ये चढ़ के नीचे उतरा टायर ने, तभी एक ही एक नीचे गया। तो ये थे जो है गाड़ी के ड्राइवर, इन्होंने बताया कि इस चेचिस में पहले से दरार थी और यहाँ पर ब्रेकर होने की वजह से, और पहली बार जो गाड़ी में पानी था उसकी लोड होने की वजह से चेचिस पर जो है भार पड़ा, उसके बाद चेचिस टूट चुकी है। हालांकि इस टैंकर में जो पानी भरा हुआ था वो पानी जो है यहाँ से पूरा पानी जो है यहाँ से निकल कर बह गया है। लोग यहाँ पर आपको जो है पानी से जो हाथ और मुंह धोते हुए भी नजर आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बच्चे जो है हाथ मुंह धो रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो ट्रैफिक की मुंबरा में पहले से ही सबसे बड़ी समस्या रहती थी, लेकिन यहाँ रोड पर जब से ये टैंकर का जो चेचिस टूटा हुआ है तब से यहाँ पर जो है ट्रैफिक की काफी समस्या बढ़ चुकी है। कि यहाँ पर कुछ लोग आपको दिखाई देंगे जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग लगे हुए हैं, एक ट्रैफिक हवलदार भी हैं, उनके साथ साथ जो है यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लोग भी हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी आपको बता दें कि मुंबरा शहर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है जो इसका हल नहीं निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो है समस्या सुलझाने में इस वक्त मदद कर रहे हैं। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि मुंबरा में पानी की भी सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि इस रोड पर खड़े हुए टूटे हुए पानी इसी तरह से बह रहा है, लेकिन जल विभाग का अभी भी कोई भी अधिकारी यहां पर पहुंचा नहीं है, ना ही कोई यहां पर सहायता इस ड्राइवर को दी जा रही है, कि आखिर ना ही गाड़ी हटाने की यहाँ रोड से कोशिश की जा रही है कि किस तरह से यहाँ से जो है ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जाए। कि ये तो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। सर, ये जो टैंकर पानी का, इसका गाड़ी का चेचिस टूटा हुआ है, तब से आप यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, क्या जल विभाग का कोई अधिकारी आया? नहीं, अभी तक यहाँ पर कोई अधिकारी आया नहीं। हमारी टीम है यूथ की, यहाँ पर सब काम कर रही है, यहाँ पर ट्रैफिक के लिए सब हटा रहे हैं हम लोग काफी आधे पौने घंटे से, लेकिन सरकारी अभी तक के कोई भी आया नहीं है सरकारी की तरफ से। कोई भी अधिकारी, क्या इसकी घटना की जानकारी आप लोगों ने पहुंचाई वहां तक? नहीं, अभी तक के तो हमने पहुंचाई नहीं, हम अभी ट्रैफिक में अटके हुए हैं। हमारे यहाँ पर आरटीओ वाले सब आके जमा हुए, अभी यहाँ पे अधिकारी लोग यहाँ पर आएंगे थोड़ी देर में, तब इसको हटाया जाएगा, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है इसका, और इसको हटाने के लिए क्रेन वगैरह लगेगी, जो भी लगेगा लोग लेके आएंगे साथ में। हादसे में किसी का कोई जान हानि का नुकसान हुआ है? नहीं, किसी का जान और माल का किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस गाड़ी की चेसी क्रैक थी जिसकी वजह से लोड नहीं संभाल पाई और पूरा डंपर बैठ गया, और यहाँ पे लोग को किसी को नुकसान हुआ नहीं है, बस खाली पानी बह रहा है और कुछ भी नहीं है। ये हादसा होने की वजह से जो ट्रैफिक है, ये कहाँ से कहाँ तक का ट्रैफिक पूरा जाम लगा हुआ है जो आप लोग इसको सुलझाने में लगे हुए हैं? अभी हम लोग तो ट्रैफिक काफी कंट्रोल कर चुके हैं, ट्रैफिक यहाँ पर हो रही नहीं है। फिलहाल शंकर मंदिर तक का ट्रैफिक लगती है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी यूथ की टीम काम कर रही है, जिसके वजह से दूर तक का वहाँ पर कोई ट्रैफिक है ही नहीं, और यहाँ पर लोगों को हम लोग बाहर का हटाया जा रहा है, सब लोग यहाँ पे खड़े और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जो है ये लोग जो है पूरी तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि इस जो टैंकर है ये बता रहे हैं कि करीब 1.5 घंटा हो चुका है इस टैंकर को यहाँ पर इसकी चेचिस टूटे हुए, लेकिन अभी तक जल विभाग का कोई भी अधिकारी यहाँ पर आया नहीं है। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, पराठा टाइम्स, मुंबरा।